मशहूर शायर निदा फाजली साहब का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये शेर यूं तो जिंदगी से जुड़े किसी दूसरे मसले की तरफ इशारा करता है, अलबत्ता फिर भी हिंदुस्तानी फिल्मों के बड़े अदाकार कमल हासन साहब की बात करना हो, उन्हें कुछ जानना समझना हो, तो यह वहाँ भी पूरी तरह सटीक बैठता है। क्योंकि जैसे जैसे कमल हसन साहब के बारे में जानेंगे, जहन में ये ख्याल ठहरता जाएगा कि इस किस्म की शख्सियत होना किसी एक आदमी के वस की बात नहीं है, इसके लिए वाकई में 10-20 आदमियों की काबिलियत लगती होगी, बल्कि लगती ही है, वरना तो कोई बिरले ही होता है सदियों में जो इस तरह के एक आदमी के भीतर इतनी चीजें एक साथ मिल जाएं। और सच में कमल हसन साहब विरले ही हैं कई मायनों में, शायद इसलिए वह हिंदुस्तानी सिनेमा के पहले कंप्लीट अभिनेता कहलाए तो यूं ही नहीं कहा जाता, इसके सबूत और मिसालें भी हैं। मसलन कमल हसन शायद एक लौते अदाकार हैं जो एक साथ 6 जबानों में फिल्में करते हैं और सब जबानें वो खुद जानते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगला में वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे शुद्ध शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत हैं। नृत्य मुद्राओं और नृत्य स्वरूपों में नई आजमाइश करने के लिए भी जाने जाते हैं। जब महज 18 साल के थे तब से फिल्मों की कहानी भी लिख रहे हैं। इस हैसियत से अब तक उन्होंने जितनी कहानियां लिखी हैं वो फिल्मी दुनिया में अमर हो चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी अब तक की 7 फिल्में ऑस्कर के लिए नामित हो चुकी हैं, यानी उस अवार्ड के लिए जो फिल्मों की दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है। और रही बात अदाकारी की, तो 1-2 नहीं 18 बार कमल हसन साहब को अदाकारी के लिए फिल्म फेवर अवार्ड मिल चुका है। दशावतारम जो साल 2008 में आई थी, इसके लिए कमल हसन साहब को 10 मुख्तलिफ किरदारों में नजर आए थे। हिंदुस्तानी सिनेमा में ये ऐसा शायद पहली बार तजर्बा हुआ था जो कमल हसन साहब कर गुजरे। ऐसे कारनामों को अंग्रेजी जबान में आउट ऑफ द बॉक्स अचीवमेंट कहा जाता है, और कमल हसन साहब के खाते में ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स अचीवमेंट की भरमार है। कमल हसन, इनकी एक फिल्म पुष्पक विमान 1987 कन्नड़ फिल्म थी। चूंकि फिल्म ओ बोली है तो बिना रद्दो बदर के यह पुष्पक के नाम से ही पूरे हिंदुस्तान में देखी गई। इस फिल्म में दुनिया की पहली रंगीन ओबोली साइलेंट फिल्म कहा जाता है। गौर कीजिए, ये कारनामा बोलती फिल्मों के दौर में किया गया, और हिंदी फिल्मों में इसकी अदाकारी देखनी हो तो सदमा है, जो 1983 में आई थी। आला बंधन हॉलीवुड वालों को भी नया रास्ता दिखा जाती है, वह भी तकनीक के मामले में। ऐसा खुद हॉलीवुड की फिल्मकार केंटीन टेरोटिनो ने माना था। टेरेंटिनो ने 2003 में किल बिल के नाम से फिल्म बनाई थी। उनके मुताबिक उन्होंने तकनीकी के मामले में इसके लिए आला बंधन की से प्रेरणा ली थी। यही नहीं, 1987 की कमल हसन साहब की फिल्म नायकन 1987 की वो मशहूर मैगजीन टाइम ने दुनिया भर में अब तक की बनी 100 आला दर्ज की फिल्मों में फहरिस्त में शुमार किया है।